ये देखो, ओए होए होए होए, निकलो 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 भाई। वन मोर थिंग विच आई लाइक दिस हैप्को बैगर का, ये जो टैंक बैग है, बट सो दीज आर द टू विच आई फाइनलाइज। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन, दिस इज बिगर राइडर। और आज है फाइनली अपना नॉर्थ ईस्ट राइड की प्लानिंग का डे शुरू। तो अभी नहीं जा रहे हैं, हम लोग जाने वाले हैं 25th को। यहाँ से हम लोग बाइक कर रहे हैं शिप, एंड वहाँ से देन हम लोगों को गुवाहाटी में बाइक मिल जाएगी। तो सीन कुछ ऐसा है, थोड़ा बहुत बाइक का सर्विसिंग बाकी है, ब्रेक पैड्स इसके पीछे वाले बिल्कुल जा चुके हैं, सो आई नीड टू गेट दैट चेंज्ड। और उसके अलावा अपना जो फ्रंट वाला है वो मैं एक्स्ट्रा कैरी करने वाला, क्योंकि अभी फ्रंट वाला ब्रेक पैड जो है चल जाएगा। और उसके अलावा ऑयल फिल्टर चेंज कराना है, क्योंकि ऑयल फिल्टर पड़वाना पड़ता है, अदरवाइज़ बाइक के इंजन पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो दो ऑयल फिल्टर आते हैं, एक हाई फ्लो का नॉर्मल वाला, एक रेगुलर और एक परफॉर्मेंस। तो अपने को तो बस बाइक टूरिंग के लिए चाहिए, परफॉर्मेंस वाला जो रहता है वो ट्रैकिंग पर्पज़ के लिए रहता है। तो कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपने को बाइक में चेंज करानी है, बाकी जाके हम लोग देखेंगे। ये देखो, ये ओए होए 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 होए, निकलो 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 भाई, क्या बात है। हेलमेट हाथ में टांगा हुआ था, सैल्यूट है भाई को। ओए, ये सबसे ख़राब चीज़ होती है बेंगलोर में, मतलब अचानक से आप लोगों को ना पॉट होल्स मिल जाएंगे यहाँ से। और कुछ कुछ रोडें बहुत अच्छी बनी हैं, कुछ कुछ रोडें बिल्कुल ही गई गुजरी हैं। अभी सीन कुछ ऐसा है, यहाँ से मैं जा रहा हूँ राइड वेंचर का कावासाकी सर्विस सेंटर, जो कि है जेपी नगर में। बैंगलोर में रहने वालों को ये सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर कोई बैंगलोर नॉर्थ में रहता है ना, मतलब मैं जैसे हब्बाल वाले साइड में रहता हूँ, तो यहाँ पे सीन ये रहता है कि यहाँ से जाने जाने में 1 घंटा लग जाता है, उसके बाद बाइक सर्विसिंग के लिए दो। तो मेरा प्लान कुछ ऐसा था कि मैं कल सर्विसिंग के लिए दे दूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली जो बंदा है अपना सर्विस सेंटर में वहाँ पे, वो था नहीं, तो आज आया है। तो आज जाके हम लोग अपनी बाइक सर्विसिंग के लिए दे देंगे, देन उसके बाद में हम लोग जाएंगे मोटो अशर शॉप में जाएंगे, वहाँ से बाइक का जो भी ब्रेक पैड्स है बाकी सारी चीज़ें लेंगे। अगर हॉर्न वॉर्न मिलता है तो देखते हैं लेंगे। तो ये सारी चीज़ें फिटिंग करवानी है, देन उसके बाद में हम लोग हो जाएंगे ऑल सेट फॉर आवर नॉर्थ ईस्ट राइड। और उसके अलावा एक और छोटा सा मॉडिफिकेशन सोचा मैंने, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग राइड करते हैं ना, तो रोड पे जो है ना फोकस नहीं मिल पाता, ये इसकी स्पेशली जो भी सुपर स्पोर्ट्स बाइक होती है उनका ज़्यादा मतलब जो विजिबिलिटी है ना लाइट की, वो नहीं दे पाती है। तो करेंगे क्या, एक छोटा फोकस लाइट और सोच रहा हूँ मैं लगवाने के लिए, जिससे कि एटलीस्ट ज़्यादा दूर का नहीं, बट एटलीस्ट पास वाला जो है, जो पॉट होल्स आते हैं वो सारे पैचेस जो है दिख जाएँ, तो हम लोग शॉकर बचा लेंगे, नहीं तो वो नॉर्थ ईस्ट राइड से वापस आने जाने तक बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा बाइक का। हटो हटो हटो, जल्दी है भाई, अपने को लॉग इन भी करना है ऑफिस के लिए। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ एंड लैपटॉप लेके जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऑफिस का काम पहले का सुबह कर लिया, अभी यहाँ से जाने में 1 घंटा बर्बाद होगा, अब उधर जाके करूँगा। तो IT सेक्टर में ये ज़्यादा फ़ायदा, इसलिए आप लोगों को ना IT सेक्टर से मोटो ब्लॉगर्स बहुत मिलेंगे, वर्क फ्रॉम होम में कहीं से भी जाके काम कर लेते हैं। ये पुराने टाइप के पैनियर्स है, ये मतलब टेक्नोलॉजी ना घूम घूम के वापस आती है दोबारा से, कहने की बात है कि मतलब बहुत मतलब अलग चीज़ है, बट पहले से ही डिग्गी देखो अपने पापा लोगों के बाइक में भी लगी होती थी ना, तो ये ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए होती थी, हालांकि उसमें बस ट्रैवल टूल किट और कपड़े फटे फटे जो बाइक साफ़ करने के लिए काम आते थे, उसके अलावा कुछ रहता नहीं था भाई। लोग बैंगलोर में इतनी सारी रोड है ना, मतलब अभी तक मेरे को अंदर जाके यार याद नहीं हो पाई है, एक बस गलत टर्न लिया और मेरे को गूगल आंटी ने यहाँ पे चेप दिया ये वाला रास्ता, अब कहाँ से होते हुए जा रहा है आई डोंट नो। सो देखो भाई, मतलब 11:49 हो चुका है और मैं अब जाके पहुँचा हूँ जेपी नगर वाली साइड में, अभी भी 2.7 किलोमीटर दिखा रहा है, बट यही प्रॉब्लम है कि बैंगलोर में अगर नॉर्थ में रह रहे हो, बिल्कुल बैंगलोर नॉर्थ में रह रहे हो, तो इधर साउथ साइड में आना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब बीच में भर भर के ट्रैफिक है। सो गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं टुवर्ड्स जेपी नगर। तो क्या मस्त रोड है यार, मतलब यहाँ पे मक्खन है एकदम रोड, बस ये थोड़े बहुत जो फुटपाथ पहले के बने हुए थे बम्प है अचानक से। तो एनीवेज़ यहाँ पे पहुँच गए हैं अभी, जो मोटो अशर शॉप है वो भी बिल्कुल कावासाकी की जस्ट
मतलब 10 मीटर ज़्यादा आगे ही है, तो वहाँ से जाके पहले बाइक ड्रॉप करते हैं वरना फिर फालतू में डिले हो जाएगा और चल के। मोटो अशर तो ये रहा। अबे कावासाकी कहाँ गया? अच्छा कावासाकी सर्विस सेंटर आगे है, ये पीछे है। ओके गॉट इट। चलो अभी जल्दी से देते हैं बाइक। ये रहा कावासाकी सर्विस सेंटर, तो यहाँ पे देते हैं अपन लोग बाइक। वी आर एट मोटो अशर एंड यहाँ पे मतलब बाइक्स का काफ़ी सारा एक्सेसरीज मिल जाता है। ये हो गए मतलब पैनियर, सेडल केस और सारी चीज़ें। एंड यहाँ से अपने को काम था एक्चुअली EBC के ब्रेक पैड्स का, जो कि है यहाँ पे। तो ये तो सारा एक मैंने EBC 140HH फाइनलाइज किया है। या दैट्स फाइन, नो लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू सी लाइक हाउ इज़ द फोकस, सो यू कैन जस्ट स्विच इट ऑन। ओके ओके या दिस इज़ मोर ब्राइट, हाँ दिस इज़ मोर ब्राइट। ओके एंड यू लाइक वी गेट दिस कवर ऑल्सो ना फॉर द येलो लाइट्स। फॉर दैट यू हैव टू बाय सेपरेटली। ओके ओके बोथ एम्बर एंड बट इन केस आई एम जस्ट लुकिंग फॉर दिस वन लाइक हाउ वी कैन क्लैंप इट, दैट आई एम नॉट श्योर। यू हैव क्रैश बार ऑन द बाइक और अ फ्रेम स्लाइडर। फ्रेम स्लाइडर आई हैव। सो देन यू हैव टू बाय अ ब्रैकेट फॉर इट एज वेल। ओके सो यहाँ पे छोटी छोटी एक्सेसरीज हैं, मतलब काफ़ी सारी। ये स्लाइड लॉक हो गया, और जो भी आप लोगों को मतलब लंबा राइड में प्लान करने के लिए हेल्प करता है। एंड ये ग्रिप्स भी है, ये भी चीज़ अच्छी है यार। मतलब ऐसे ये चीज़ लगाई जा सकती है अगर हाथ में पेन ना करवाना हो तो लंबा राइड्स में लेके जा सकते हो। और बाकी सारी चीज़ें क्या है, ये हो गया। एक और चीज़ मैंने फाइनल की है, या जस्ट चेक इट वंस, या जस्ट चेक इट वंस, आई नीड दिस वन आल्सो। Which one? Tank pad. No, the like top one I already have. I just need the side. The sides are not available, so. Okay. The top one is available for the. Okay, no, I already have from one design, no. So lights के तो options काफी सारे हैं, but only thing is कि ये दो final अगर मैं करता हूँ तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि इनको clamp basically कहाँ करना है। तो but ऊपर वाले का light अच्छा है, ये S2 Pro है, ये S2 Sports है, तो S2 Pro का जो है throw ज़्यादा है, so which will be the best. वन मोर थिंग विच आई लाइक डिज हैपको बैकर का ये जो टैंक बैग है, बट मेरे को ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये बेसिकली मेरी बाइक में फिट होगा एंड मतलब उसमें कैमरा आ पाएगा कि नहीं, छोटा मोटा गैजेट आ जाना चाहिए। सो दीज आर द टू विच आई फाइनलाइज एंड दिस 2999 फॉर दिस 140HH एंड दिस हाई फ्लो 303 विच विल फिट इन 0800, तो इसका प्राइस आ जाता है 599। तो ये लेके चलते हैं सर्विस सेंटर पे, ऑलरेडी बाइक दे दी है एंड जैसी सर्विस होके मिलती है देखते हैं दोबारा से। अभी मैं आ रखा हूँ कावासाकी के सर्विस सेंटर जो कि है यहाँ पे JP नगर में, और अपनी जो बाइक की सर्विसिंग है उसको हम लोगों ने दे दिया है। तो अभी सर्विसिंग चल रही है एंड आप लोग दिखा देता हूँ थोड़ा सा क्या काम चल रहा है अभी। तो मेरे को तो ऑफिस का सारा सेटअप लेके आना पड़ा क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था सर्विसिंग के लिए। तो यहाँ पे का रियर ब्रेक पैड्स चेंज होगा और एक ऑयल फिल्टर जो कि मैंने अभी बाइक लिया से, तो ये दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं। उसके बाद में अपने को बाइक सर्विस मिलेगी, ऑल सेट फॉर नॉर्थ ईस्ट राइड। तो अभी अपने को फाइनली जो सर्विस का प्राइस है वो आ चुका है, कितना लगा है अपना। तो जो टोटल मेरे को अमाउंट पड़ा है दैट इज़ 8295, जिसमें कि कवर हो जाता है गैस्केट, पिन कॉटर, थ्रॉटल बॉडी क्लीनर, कावासाकी जेन्यून ऑयल जो कि पड़ा 2795, उसके अलावा कावासाकी ड्यूरा क्लासिक चेन ल्यूब जो यूज़ होता है सर्विसिंग में, देन सुपर चेन क्लीनर, इसका टोटल हुआ 3340। देन इसके बाद में अपना आया एयर क्लीनर एलिमेंट क्लीनिंग जो कि है 1593 का, एंड उसके अलावा कंज्यूमेबल्स में है इंजन ऑयल एंड R&R, जनरल इंस्पेक्शन, ऑयल फिल्टर एलिमेंट, रियर ब्रेक पैड SE 354, और थ्रॉटल सिंक्रोनाइजिंग जो इन्होंने किया 1239, जो कि वैक्यूमिंग करके पता करते हैं बेसिकली कि कुछ
मतलब इंजन में परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी स्मूथ हो जाता है, वाइब्रेशंस कम हो जाती है, तो उसके लिए थ्रॉटल सिंक्रोनाइजिंग कराना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा 413 इज़ द वॉशिंग चार्जेस। तो ओवरऑल सारा काम हो चुका है, इसके बाद यहाँ से अमाउंट पे करते हैं। पहली बार का फटका बैठा है अपने को क्योंकि इससे पहले जो बाइक यूज़ करा था उसमें ज़्यादा सर्विस आती नहीं थी, तो पेमेंट करते हैं देन उसके बाद में निकलते हैं। और अभी सोच रहा हूँ मैं एक लाइट इंस्टॉल कराने का, जो ऑक्सिलरी लाइट्स होती है, तो लेट्स सी अगर खुली होगी शॉप तो चलेंगे। सो गाइज, अपना जो अभी बाइक का सर्विस है वो कंप्लीट हो गया फाइनली। बहुत टाइम लग गया यार, मतलब आज एक्चुअली सीन ये हो गया था कि लोग बहुत कम थे सर्विस सेंटर में, सर्विस करने वाले दो ही जने थे, तो उसकी वजह से डिले हो गया। एंड क्या ही कर सकते हैं, अब उसमें तो उनका भी गलती नहीं है। तो इसलिए मेरा प्लान कुछ ऐसा ही था, मैं बैग वैग मतलब लैपटॉप अपना सब ऑफिस का कैरी कर रहा था, तो यहीं से बैठ के काम कर लिया। भाई देखो, काम चोरी नहीं चलती ऐसे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आया था हॉट्स मॉट्स में, तो अपना काम नहीं हो पाया, तो अभी तो यहाँ से निकल रहे हैं। तो लेट्स सी, किसी और दिन फिर आके कराते हैं, क्योंकि आज तो नहीं पॉसिबल हो पाया। टाइम हो काम हो जाता, बट मेरे पास अब टाइम नहीं है यार, मतलब बहुत ज़्यादा आज तो टाइम लग गया। एनीवेज, तो चलते हैं यहाँ से। और अगर आप लोगों को जो आज का व्लॉग है पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट करके बताना आप लोगों को क्या एक्सपीरियंस रहा। मेरा तो एक्सपीरियंस भाई बढ़िया था, बट एक एक चीज़ छोड़ के कि मेरे को टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। तो आज का जो फाइनली व्लॉग है आप लोगों को आई होप पसंद आया होगा। तो बाइक का सर्विसिंग का जो प्राइस था वो तो मतलब अच्छा खासा, मतलब सही प्राइस पड़ गया मेरे हिसाब से, मतलब 8295 रुपीज़ का जो सर्विस का प्राइस पड़ा है मेरे को। और उसके साथ में वो जो वैक्यूमिंग करके वो जो थ्रॉटल सिंक्रोनाइजिंग करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड। उसकी वजह से बाइक का थोड़ा परफॉर्मेंस और बढ़ गया है, स्मूथ चल रही है, वाइब्रेशंस कम है। और एक चीज़ और अच्छी कि ये मेरा वाइजर ना यहाँ पर टच होता था, तो उस बंदे ने इस चीज़ को अच्छे से फिट कर दिया, सो आई एम नॉट हैविंग एनी इशू नाउ। तो आज का व्लॉग आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इसी के साथ कहते हैं आपसे अलविदा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।